गौरव हिमालय के पास के छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई एक महिला की आत्मा घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा, तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थीं और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। गौरव बड़ी सावधानी से दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। गौरव के सारे दोस्त भाग गए। गौरव भी डर कर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिलाकर कर रहेगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा की शरीर को ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव का धन्यवाद करती है। गांव वाले सभी गौरव के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है।